नमस्कार बच्चों, हम MSc की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट का अध्ययन करेंगे। उसमें हमारे पास जो इसके नियम है उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट नियम हमारा बी एल लैम्बर्ट नियम। देखो, हम यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिस पर एक्वानी प्रकाश आपतित किया जाता है, ठीक है। इसकी तीव्रता क्या है? आई नोट है। और ये यहाँ पर एक्स लंबाई का एक पदार्थ रखा हुआ, एक्स लंबाई में सॉल्यूशन भरा हुआ है। और इस सॉल्यूशन से जो लाइट है वो निकलने के बाद इसकी इंटेंसिटी क्या रह जाती है? आई रह जाती है, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई से दिखाते हैं और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नोट से दिखाते हैं। और मोनोक्रोमेटिक लाइट इस पर इंसिडेंट करवाई जाती है। तो इसी को समझेंगे, आगे समझते हैं। देखिए, यदि किसी एक वर्णी प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट की किरण को किसी अवशोषक पदार्थ से गुजारा जाता है, अवशोषक पदार्थ जो इसमें भरा हुआ है, ये पदार्थ कौन सा कहलाएगा? अवशोषक विलयन कहलाता है। तो इस अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। देखो, लैम्बर्ट ने नियम दिया था कि ये तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन बीयर ने इसमें ऐड किया है इसकी कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर ये बीयर लैम्बर्ट नियम कहलाता है। तो ये क्या बना हमारा? माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एक्स आई इंटू सी सॉरी सी क्या है? विलयन की मोलर सांद्रता कहलाती है। देखो क्या बोला है इसने, विलयन में तय की गई दूरी विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी। माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पर? कमी को दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पर माइनस क्या दिखा रहा है? हमें कमी को दिखा रहा है। तो ये क्या है? डी एक्स तय की गई दूरी और डी आई तीव्रता में हुई कमी किसके समानुपाती होती है? विकिरणों की जो इंसिडेंट करवा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट है, इसकी तीव्रता क्या है और इस विलयन में विलयन है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इन दोनों के समानुपाती होती है, ठीक है। तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी, जहाँ पे सी क्या है? विलयन की मोलर सांद्रता है। माइनस क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? कमी को दर्शा रहा है, ठीक है, समझते हैं। अब यहाँ पे समानुपाती हटता है तो कॉन्स्टेंट लगता है, तो यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट लगा? के इंटू आई इंटू सी। के क्या है हमारा यहाँ पर? मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो समान वाले हैं उनको एक साइड में ले लेते हैं, तो आई को इधर ले जाते हैं, तो माइनस डी आई अपॉन आई बराबर के सी डी एक्स। यहाँ से कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा, के सी डी एक्स। चलो, ये एक हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। विलयन में x बराबर 0 से x दूरी तय करने में लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? आई नोट से घटकर आई रह जाती है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं, x बराबर 0 से x दूरी तय की, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या थी यहाँ पर? जब यहाँ पर आई थी लाइट तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी? आई नोट थी। और जब यहाँ पर निकल जा रही है पूरी दूरी तय करने के बाद में, तो इंटेंसिटी क्या रह जा रही है हमारे पास? आई रह जा रही है। तो आई नोट से आई तक का अध्ययन करना है और एक्स बराबर 0 से एक्स तक का हमें अध्ययन करना है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गई है, माइनस डी आई अपॉन आई बराबर के सी डी एक्स, ठीक है। इक्वेशन क्या थी? माइनस डी आई अपॉन आई बराबर के सी डी एक्स। अब इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करते हैं तो आई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? आई नोट से आई तक। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से एक्स तक। भाई कहाँ से कहाँ तक वो प्रकाश दूरी तय करेगा? 0 से जहाँ से विलयन शुरू हुआ वहां से, और जहां पे विलयन खत्म होता है वहां तक की दूरी तय करेगा ना, ठीक है। तो इसे समझते हैं। देखो, इंटीग्रेशन आई नोट से आई तक माइनस डी आई अपॉन आई बराबर के सी, तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पे समझते हैं। देखो, 1/i डी आई है तो इसे ऐसे दर्शाते हैं, 1/x डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग बेस ई एक्स, ठीक होता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? लॉग बेस ई आई, और ये आई नोट माइनस आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दर्शा रहे हैं, बराबर के सी एक्स। डी एक्स का समाकलन क्या होता है? एक्स होता है, 0 से एक्स तक। देखो यहाँ पर हमें अभी इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। माइनस को बाहर ही रखते हैं और एक बड़ा ब्रैकेट लगाकर लॉग ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
ये दिखाते हैं यहां से यहां तक की, तो लॉग बेस ई आई माइनस लॉग बेस ई आई नॉट बराबर के सी एक्स जीरो से एक्स तक दर्शाते हैं, इसको भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डालेंगे तो क्या होगा के सी एक्स माइनस जीरो यही होगा, जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं तो के सी एक्स हमें यहाँ प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें, लॉग बेस ई आई माइनस लॉग बेस ई आई नॉट, इसके बाहर माइनस है तो माइनस को अंदर लेते हैं, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। तो देखो ये प्लस था यहाँ पर, जो माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस लॉग बेस ई आई माइनस प्लस लॉग बेस ई आई नॉट बराबर के सी एक्स। अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे भाई सहूलियत के लिए, तो लॉग बेस ई आई नॉट माइनस लॉग बेस ई आई बराबर के सी एक्स। अब देखो समाकलन में एक इक्वेशन होती है लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए अपॉन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लॉग आई नॉट माइनस लॉग, देखो लॉग बेस ई आई नॉट माइनस लॉग बेस ई आई, इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग बेस ई आई नॉट अपॉन आई, तो यही तो लिखा है लॉग ए अपॉन बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसे लिख सकते हैं बराबर के सी एक्स। अब जब भी ई हटाते हैं और बेस को 10 करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, यहाँ पर सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.303 लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई बराबर के सी एक्स। अब इस पूरी वैल्यू को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम, इधर नीचे, तो लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई बराबर के अपॉन 2.303 इंटू सी एक्स, ये हमें इक्वेशन प्राप्त होती है। अब देखो इस के अपॉन 2.303 इसे किससे दर्शाते हैं हम, एप्सिलॉन से दर्शाते हैं, तो लॉग आई नॉट अपॉन आई बराबर एप्सिलॉन सी एक्स। एप्सिलॉन क्या होता है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, मोलर विलोप गुणांक कहलाता है, मोलर विलोप गुणांक कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या रखी हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर के अपॉन 2.303। अब देखो ये एक समझने वाली बात है, एप्सिलॉन सी एक्स क्या होता है हमारा, एब्जॉर्बेंस कहलाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस आपको समझते हैं, एब्जॉर्बेंस हमें प्राप्त हो गया, एब्जॉर्बेंस ए बराबर इसके बराबर हुआ ना, देखो ये क्या हुआ ए के बराबर हो गया, तो एब्जॉर्बेंस ए बराबर लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई बराबर एप्सिलॉन सी एक्स, ये हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एब्जॉर्बेंस की। अब यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं, एब्जॉर्बेंस किसके प्रोपोर्शनल है, सीके है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन, अगर मान लो हमने दो विलिंग लिए और उसके अलग अलग कंसंट्रेशन रखी तो हम एब्जॉर्बेंस का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा, यही हुआ। दूसरा, एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, अर्थात जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी विलेन में हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ती जाएगी, तो हमारा एब्जॉर्बेंस हमने डिराइव कर लिया, इसके आगे ट्रांसमिटेंस अगली क्लास में डिराइव करेंगे। धन्यवाद।